एक तरफ कांग्रेस विपक्षी एकता के सपने देख रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस का अपना कुनबा बिखर रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब पंजाब में भी कांग्रेस के भीतर कलह शुरू हो गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रही हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पार्टी के भीतर कलह मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच ठनी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक दूसरे पर निशाना साधने का बहाना ढूंढते रहते हैं और अब पंजाब में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कैप्टन साहब को बहस की चुनौती दे दी, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोगियों ने बाजवा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर दी है। दरअसल पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच महीनों से वाकयुद्ध चल रहा है। बाजवा अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर नशा के कारोबार पर अंकुश नहीं लगाने का आरोप लगाया था और अब उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के साथ धोखा कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं किए। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के विधायकों और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जितने वादे किए हैं उसे पूरा करने में 1000 साल लगेंगे। बाजवा के आरोपों के बाद तो पंजाब कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सहयोगी मंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। कैप्टन के मंत्रियों ने आरोप लगाया कि बाजवा ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। अगर बाजवा को किसी बात से परेशानी है तो वे पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखे, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा सार्वजनिक मंचों से कैप्टन अमरिंदर सिंह की आलोचना कर रहे हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्री बाजवा को पार्टी से निकालने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रताप सिंह बाजवा अपनी बात पर अड़े हुए हैं। बाजवा ने कहा कि उनकी जिम्मेदारी पंजाब के लोगों के प्रति है और धमकियों से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। उन्होंने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुद्दों पर बहस करने की खुली चुनौती तक दे डाली, जिसके बाद ऐसा लगने लगा है कि पंजाब कांग्रेस में अब दो फाड़ होने वाला है। बाजवा किसी दबाव में आते नहीं दिख रहे हैं, जिसके बाद कैप्टन साहब की मुश्किलें बढ़नी तय है। एक तरफ कांग्रेस के कुछ नेता CAA पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बहस करने की चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के ही नेता अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को विकास के मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दे रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा की चुनौती को कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि पंजाब कांग्रेस में सब ठीक नहीं चल रहा है और पार्टी कभी भी टूट सकती है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।